बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक ठाक खैरियत है। मैं हूँ आपको दोस्त अताउर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल ARSC पेशावर। जी दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो शौकीन वर्सेस शिकारी के हवाले से, ठीक है। शौकीन और शिकारी में क्या फ़र्क है, सही है? और मैं क्या हूँ, मैं शौकीन हूँ असीलों का या शिकारी हूँ, ये आपके साथ में डिस्कस करूँगा, ठीक है। पट्टा जो है क्रूज़ में आ गया, मुकम्मल पर गिरा रहा है, ठीक है। ये भी क्रूज़ में आ गया, सही है ना? तो ये पर गिरा रहे हैं, मोल्टिंग का सीज़न है। बाकी दो मादियाँ नीचे बैठी हुई आ जाए। चीनी मादी दिखाता हूँ आपको, उसने चू चू की आवाज़ तो आ रही है, देखते हैं बच्चे निकाले कि नहीं निकाले, ठीक है। आ जाए मेरे पीछे, स्टॉप कर देता हूँ। जी दोस्तों, सीढ़ियों में आ गए, खैर से मुर्ग दिखाए, मुर्गे बैठी हुई है और चिल्के मेरे को तो निकले हुए हैं, बाहर देखते हैं कि क्या पोजिशन है, ठीक है। या अल्लाह, खैर चू चू की आवाज़ तो आ रही है, देखते हैं क्या पोजिशन है, ठीक है। अच्छा माशाल्लाह, टक तो लगा हुआ है, आवाज आ रही होगी, सही। हाँ माशाल्लाह, सर अल्लाह खैर करे। बस ये निकला है, चीनी है ये भी, पता नहीं किस कलर में होगा। और ये देखें, वाइट चूजा, ठीक है। माशाल्लाह इसका चोंच है, देखें, वाह वाह वाह, छोटे से चोंच में, देखें ये चोंच है इसका, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अभी कुछ करते नहीं है, बस बैठे रहे, ठीक है। आवाज़ इसकी आ रही है, ठीक है। इसको भी रख देते हैं खैर से। ये देखें वाइट, वाह 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 वाह, आवाज़ आ रही है ना आपको? ये भी वाइट है, ठीक है। ये सारी चीनी जो होते हैं, ये छोटी चीनी के बच्चे हैं, देखें वो जो ऊपर बैठी हुई है, ये उसका अंडा है, सही। ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। इसको बिठाते हैं, चेड़ते नहीं। और इसका क्या पोजीशन है? ये बड़ा, ये सबसे बड़ा अंडा है। ओह, आवाज़ आ रही है, इसको मारता हूँ तो इससे आवाज़ आती है, ठीक है। तो इसके छिलका थोड़ा मैं हटा देता हूँ ताकि आसानी हो। चार, एक वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है कि नहीं, मैंने दिखाया है, हाँ ये मैंने दिखाया आपको अभी, ठीक है। तो ये पोजीशन है, ये अंडे हैं माशाल्लाह से, ये देखिए, ओहो हो, ये मुझसे सुबह गलती से, बस मैंने इधर ज़्यादा छिलका निकाले तो सारा खून खून हो गया, ठीक है। ये इसका बच्चा है, ठीक है। तो छेड़ते नहीं है, बस अंदर ही रखते कहीं वो ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। बाकी ये अंडा है, इससे कुछ शोर की आवाज़ नहीं आ रही। ये अंडा है, कोई शोर की आवाज़ नहीं आ रही। अब डिटेल आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, कि मसला क्या हुआ। इसके नीचे मैंने कितने अंडे लगाए तो कितने बच गए, ठीक है ना? ये सारा मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। ऊपर जाते हैं, इसको ये भी बिठाते हैं, बस ये बैठी रहे, ठीक है। ये पिंजरा मैं इसके ऊपर रख देता हूँ, सीधे बैठी रहे, शाम तक सारे बच्चे निकल आएंगे, ठीक है। हम चलते हैं ऊपर, सही है। जी दोस्तों, स्टूडियो से आगे, खैर से डिटेल मैंने आपको ये देनी थी ना, इस मुर्गी के नीचे में 13 अंडे लगाए थे, ठीक है। जब 13 लगाए तो वो ज़्यादा हो गए थे, कुछ दो मैंने उठा लिए थे, और जब ये बैठी है ना तो इसके नीचे मैंने एडजस्ट कर लिया था, पर ये देखिए बैठी हुई अभी, सही है। तो 11 रह गए, 11 में से जब मैं वक्तन वक्तन चेक करता रहता, एक अंडा टूटा हुआ था, ठीक है, ख़राब हो गया था वो, या तो उसकी नोक लग गई थी या इसका नाखून लग गया था, तो हटा दी मैंने। 10 रह गए, ठीक है। 10 में से फिर मैंने चेक किया कि कितने फर्टाइल है, तो सब में बच्चे बने हुए थे, लेकिन 3 में से जो बच्चे बने हुए थे ना वो अंदर ही डेड एंड शेल हो गए थे ना, ठीक है, अंदर ही मर गए थे वो। तो वो 3 अंडे मैंने यहाँ रख दिए, दिखाएं, ये 3 अंडे, ठीक है, 1 2 3, इसमें बच्चे बने हुए हैं लेकिन वो अंदर ही मर गए, ठीक है। तो अब मुझे समझ ये आई ना इसका, कि माशाल्लाह से हमारा जो हीरा मुर्गा है ना, ये पट्टा है, ठीक है ना, इसने रिजल्ट 100 में से 100% दिए, यानी फर्टिलिटी इसकी अच्छी है, मुकम्मल है, 100% है। बाकी काम फिर मादी का था कि वो बच्चे निकाले, तो बच्चे उसने बना लिए, अंदर बन गए बच्चे, लेकिन वो निकल नहीं पाए, ठीक है। तो इसलिए वो अंडे, 3 अंडे ये ज़ाया हो गए, 7 रह गए। 7 में से अभी मैंने आपको दिखाया, 5 में टक लगे हुए हैं, ठीक है, उसमें से बच्चों की चू चू की आवाज़ें भी आ रही हैं, तो इंशाल्लाह शाम तक या दीगर तक वे निकल आएंगे। इसके अलावा 2 जो थे वो अभी तक उसके अंदर से कोई चू चू की आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन उसमें बच्चे बने हुए, मुकम्मल बने हुए। अब क्या पता वो जिंदा है या वो भी एक्सपायर हो गए, ठीक है।
तो जो है वो शाम को तक पहले चलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्योंकि इसकी बुकिंग अभी भी जारी है, बल्कि बुकिंग हो भी गई है इसकी, बहुत से लोगों ने डिमांड किया था एक भाई ने, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ज़रा चीनी माजी दिखा दी कि क्या पोजिशन है, वो भाई भी देख लेना। अब बात आ रही है शिकारियों की, शिकारी और शौकीन बंदा क्या है। देखो शौकीन, मैं शौकीन हूँ, ठीक है, तो मेरा शौक़ ये है कि भाई मुर्गा या मुर्गी तो उसकी आंखें सफ़ेद हों, ठीक है, या ब्लू हो, नोक उसकी सफ़ेद हो, नली उसकी सफ़ेद हो, ठीक है ना। मैं ये चीज़ें देखूँगा, ये तीन चीज़ें मैं लाजमंद देखूँगा कि ये साफ़ हो, सफ़ेद हो, ठीक है। लेकिन शिकारी जो होता है ना, वो इन चीज़ों को नहीं देखता, जो लड़ाने वाला होता है वो ये नहीं देखता कि उसकी आंख मुर्गे की या मुर्गी की आंख सफ़ेद है कि नहीं, खुदा के उसकी आंख मेली क्यों ना हो, सुरख क्यों ना हो, उसको इस बात की कोई परवाह नहीं है। वो ब्लड लाइन देखे कि इसके पेरेंट्स जो हैं वो लड़ाई में कैसे थे, अगर लड़ाई में वो तेज़ थे तो बस ये भी ठीक है, ये भी तेज़ होगा, ठीक है। तो ये शिकारी और शौकीन में फ़र्क होता है, ठीक है। एक होता है मुर्गबाज और एक होता है मुर्गबान। तो मैं मुर्गबान हूँ, यानी बच्चे निकालता हूँ, बस चूज़े निकालता हूँ और उसकी आंखें और नोक नली ये चेक करता हूँ, ठीक है। और मुर्गबाज जो होता है ना, वो ये नहीं चेक करता कि इसकी कलर कैसा है, वो ये देखता है कि भाई इसके पेरेंट्स लड़ते कैसे थे, इसके चचा, इसके मामा, इसके बाप, इसका दादा, ये कैसे लड़ता था। अगर मैदान में वो अच्छा लड़ता था तो बच्चा जिस तरह भी पैदा हुआ, आंख उसकी जैसी भी हो, तो वो उसको एक्सेप्ट करते थे, कबूल करते थे, रखते थे उसको, ठीक है। वो फ़ाइट करते थे, तो बस फ़ाइट वाइट वाला तो हम नहीं, अल्लाह बचाए इन चीज़ों से, हम सिर्फ शौक़ रखते हैं, ठीक है। जिसको शौक पसंद आता है, जो मांगता है उसको हम दे देते हैं, ठीक है। जो जिसको अंडे चाहिए होते हैं उसको अंडे दे देते हैं, जिसको चूज़ा चाहिए होते हैं चूज़ा दे देते हैं, जिसको बड़ा चाहिए होता है मुर्गा या मुर्गी उसको हम दे देते हैं, ठीक है। तो हम शौकीन हैं, वो शिकारी नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी शिकारी नहीं होंगे, शौकीन ही होंगे। शौकीन रहेंगे तो ये नस्लें बच जाएंगी। शिकारी जो होते हैं ना, वो मैदान में असील को उतारते हैं, वो मर जाते हैं, मर जाए तो नस्ल उधर ही ख़त्म हो गई, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने पाकिस्तानी जो नस्ल है, ब्रीड, उसको आगे बढ़ाएं, ठीक है दोस्तों। तो इंशाल्लाह शाम तक फाइनल हो जाएगा कितने बच्चे निकल रहे हैं, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कल फिर वीडियो बना लूँ, ठीक है। तो उसमें बता दूँगा कितने बच्चे इसके निकलें, और ये केज मैं खाली कर दूँगा, साफ़ सुथरा करके उनको इधर शिफ्ट कर दूँगा, इस मुर्गे को मैं इस केज में शिफ्ट कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। इनके भी तकरीबन 12 दिन हो गए, उस मादी के भी, इस मादी के भी, ठीक है। अब इनके निकालने का टाइम है, दाना वो देखें, दाना पानी मैंने रखा हुआ है, बस उधर जाके दाना पानी कर लेंगे, थोड़ा फिर लेंगे, टांगे खुल जाएंगी इनकी, 10 मिनट बाद मैं फिर इनको धकेल दूंगा, वापस अंदर बैठ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।